आइए मित्रों, हम स्वर के स्वर वर्णों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार कितने होते हैं। अब स्वरों को विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। स्वर को अच वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर वर्ण अच वर्ण जो होते हैं वे वर्णमाला के माहेश्वर सूत्र के प्रथम चार सूत्रों में वर्णित किए गए हैं, जिसे अयुण ऋलिक एवंग अयौच, उसे हम आ से लेकर के च तक के वर्ण जो आते हैं वे स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। जिन चार सूत्रों में कुल स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, जो अ ई उ री ली ए ऐ औ और ओ और औ, ये आपके स्वरों की 9 संख्या है, जिसमें ह्रस्व स्वर हमारे 5 होते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 मानी गई है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें से 5 में इन चार वर्णों को ही हम जोड़ते हैं। ये चार वर्ण जो है ह्रस्व से ही दीर्घ में आते हैं, इसलिए इनको जोड़ा नहीं जाता है। तो ये हमारे 5 ह्रस्व और संयुक्त 4 जो है ये हमारे कुल मिलाकर के 9 स्वरों का वर्णन किया गया है, जो कि माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में वर्णित किए गए हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि वर्णों का उच्चारण काल क्या होता है। जैसे मित्रों आप लोगों ने सुना होगा कि दीर्घ क्यों कहा गया, ह्रस्व क्यों कहा गया, प्लुत क्यों कहा गया, तो उसका उच्चारण काल है। उच्चारण काल जो होता है वो पलक एक बार पलक झपकने को हम उच्चारण काल कहते हैं। जितने समय में हमारी पलकें झपकती हैं वो हमारा उच्चारण काल कहता है। जैसे ये भी कह सकते हैं मात्राओं के आधार पर भी उच्चारण होता है। मात्रा के आधार पर जैसे एक मात्रा वाले वर्ण जो है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, दो मात्रा वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं, त्रिमात्रा जिसमें 3 मात्राओं का ज्ञान हो अर्थात 3 गुना समय लगे, काल मिस होता है समय, 3 गुना समय लगे, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे व्यंजनम चार्ध मात्रिकम लिखा गया तो व्यंजनम मीन्स व्यंजन वर्ण, चार्ध मीन्स 4 मीन्स और अर्ध मीन्स आधे, अर्थात आधे मात्राओं वाले वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में लिखा गया एक मात्र भवेत ह्रस्व, दो मात्र सुदीर्घ उच्चते, त्रिमात्र सुप्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, अर्थात एक मात्रा वाले वर्णों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, दो मात्रा वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं, त्रिमात्र सुप्लुतो गेयो अर्थात 3 मात्रा वाले वर्णों को हम प्लुत स्वर कहते हैं, और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम व्यंजन वर्णों को हम जिन वर्णों में आधे मात्राओं का प्रयोग किया गया हो वह हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये आपका उच्चारण काल रहा। उच्चारण में जैसे अब ह्रस्व होता है, ह्रस्व हमारा आ है, आ आ ओम। तो ये देखिए यहां पर क्या है, ह्रस्व है, यहां पर कम मात्रा है, कम समय लग रहा है, यहां पर समय थोड़ा अधिक लग रहा है अर्थात 2 मात्राओं का समय, इसमें 1 मात्रा थी, इसमें 2 मात्राएं थी, ये त्रिमात्रा सु इसलिए कहा गया ओम, मतलब 3 मात्राओं का इसमें समय लग रहा है। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन को आधी मात्राओं का वर्ण क्यों कहा गया, इसलिए कि जैसे का है हमारा तो का ये पूर्ण वर्ण है, क्योंकि व्यंजन वर्ण जो हमारे होते हैं वे स्वर वर्णों से ही बने होते हैं, इन्हें वर्णों की सहायता मिलती है, वर्णों की सहायता से ये बोले जाते हैं, वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं। क्योंकि यहां पर जब हम का को लिखते हैं तो क प्लस आ, जब स्वर वर्ण जोड़ दिए जाते हैं तब हमारे व्यंजन वर्ण पूरे होते हैं। अब ये व्यंजन हमारा क ही है, आ हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है, तो
व्यंजन वर्ण जो होते हैं वे हमेशा आधे कहे जाते हैं, इसीलिए हम देखिए उच्चारण करते समय हम लोग क्या कहते हैं कि आधा का और पूरा का। पूरा का जब हम स्वर वर्णों को जोड़ देते हैं तो वो हमारा पूरा का हो जाता है, इसको आधा का कहते हैं। इसीलिए कहा गया व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, तो व्यंजन में आधे मात्रा वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ तक मित्रों आपकी समझ में आ गया होगा, जो भी वो आप